स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्क्वायर निकालना सीखेंगे। कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, हम उसका सेकंडों में स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिनके लास्ट में 5 आता है। देखो कोई भी नंबर है, जैसे हम बात करें सबसे पहले 25 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर हम सबको लर्न होता है, ठीक है। वैसे क्या होता है हमारा 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन इसे अब हम अपनी ट्रिक से निकालते हैं। ट्रिक से कैसे निकालेंगे, देखो 25 का स्क्वायर निकालना हमें, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जिसके लास्ट में 5 आएगा, ये उसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब ये क्या है, 2। देखो ये 2 इससे 5 से पहले जो भी नंबर दे रखा है, हमें क्या करना है, इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर में उसकी मल्टीप्लाई करनी है, देन हमें इसमें लिखना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3, 2 × 3 से कितना होता है, 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 625 आ गया। आप कोई भी नंबर ले लो, हमें 45 का स्क्वायर निकालना सीखना है। 45 क्या है, देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। और 4 की क्या करना है, इसी के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5 होता है। तो हमारा क्या हो गया, 4 × 5 से कितना हो गया, 20 हो गया। तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब देख लेते हैं, हम देख लेते हैं 75 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। 75 में लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और 7 से जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 8 होता है। 7 × 8 से कितना होता है हमारा, 56 होता है। तो हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया 5625 आ गया, ठीक है। हम ऐसे कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 95 का देखना है, 95 का भी देख लेते हैं। 95 का स्क्वायर कितना होता है भाई, इसमें लास्ट में 5 आ रहा, तो 25 तो ये आएगा ही आएगा हमारा। और 9 की किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे के अगले नंबर से। 9 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है हमारा, 10 होता है। तो 10 × 9 कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9025 आ गया। अब अगर जो हमें निकालना है 115 का निकालना है, 115 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। देखो इसमें क्या हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 आ गया। और हमारा 11 से जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 12 होता है। तो हमें क्या करना है, 11 × 12 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। अब देखो 11 की 12 में कैसे करें, वैसे इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन 11 की ट्रिक्स भी होती है। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक्स होती हैं, जो ट्रिक्स मैं आपको मल्टीप्लाई की जब वीडियो लेके आऊँगा उसमें सिखाऊंगा कि हाँ हमें 11 से करना है, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 नाम वाले नंबर से उनसे कैसे करेंगे, ठीक है। सेम एंड 10 रूल भी होता है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं मल्टीप्लीकेशंस में, वो हम सारी सीखेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ इसकी। देखो 11 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे 11 की ट्रिक पता है, ठीक है। लेकिन ये आप भी सीखोगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं, देखिए 5 का आप निकाल लोगे, जिसके लास्ट में 5 आएगा उसमें कुछ नहीं करना। हम लोग बहुत इजीली सीख चुके हैं कि बस 5 का स्क्वायर करना, और जो उससे पहले नंबर दे रखा है उससे कि उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, सिंपल। अब बात करते हैं जो अलग नंबर आते हैं, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट नंबर है, जो मतलब आपको मैं आगे सिखाना जा रहा हूँ, उसके लिए एक चीज़ है, आपको 25 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। और अगर जो 25 तक के स्क्वायर लर्न नहीं है तो वो लर्न कर लो, ठीक है। वैसे तो हमें 7th क्लास से ही हमें टीचर्स ही लर्न करना शुरू करा देते हैं, तो वो हमें लर्न रहते भी हैं। चलो तो अब देखते हैं 25 से 75 तक के स्क्वायर, क्योंकि देखो जरूरी थोड़ी है कि जो नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उसके लास्ट में 5 ही आए, कोई और नंबर भी आ सकता है। तो वो कैसे निकालने हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना होता है, सिंपल हम बेस क्या लेके चलते हैं, 50 लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमें 42 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 42 50 से कितना कम है, 50 में से माइनस करके देखेंगे 50 से कितना कम है, 42 8 कम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब क्या करना है, इतना इसका काम खत्म, इतना अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है, दो स्टेप है इसमें बस। नेक्स्ट क्या है, जितना कम है 50 में से 50 में से 42 को माइनस करके देखा, 8 कम है, तो 8 को क्या करेंगे, 25 में से माइनस कर लेंगे, बस इतना करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था, जितना कम है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। सेकंड स्टेप क्या है, 25 में से उस नंबर को माइनस कर लेना जितना कम है। तो 25 में से 8 को माइनस करा तो हमारा कितना आ गया, 17। तो हमारा कितना आ गया, 1764 क्या आ गया हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, क्लियर है। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक दो,
और एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे 48 का स्क्वायर देख लेते हैं, ठीक है। 48 का स्क्वायर देखते हैं, देखो अगर जो हम बात करें 50 से कितना कम है, 48 दो कम है, तो दो का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पर ऐसे डंडा बना दिया, क्लियर है, मतलब पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या था सेकंड स्टेप, क्या था हमारा, 25 में से उस नंबर को माइनस करेंगे, तो 25 में से हमें क्या कर लेना है, 25 माइनस 2 कर लेना है, तो हमारा क्या आ गया, 23। लेकिन इसमें एक चीज़ है भाई, क्या चीज़ है कि कितना भी कम होगा और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो टू डिजिट में लिखना है, मतलब हमारा वो जो नंबर लिखा जाएगा हमेशा टू डिजिट्स में लिखा जाएगा। ये नहीं है कि आप उसे सिंगल लिख दो, मतलब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 2, 3, 4, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। इसे क्या करना है, हमें टू डिजिट्स में लिखना है। जब टू डिजिट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसके आगे बस जीरो लगा के इसे क्या कर देंगे, दो डिजिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, कुछ नहीं है बस भाई। देखो 4 का हमें टू डिजिट्स बनानी है, अब 4 को ये थोड़ी है कि आप आगे सामने जीरो लगा दोगे, नहीं, ये तो 40 बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर के पहले जीरो लगाते हैं तो वो वैल्यू वही रहती है ना, सेम वैल्यू रहती है, तो हम क्या करेंगे इसमें पहले जीरो लगाएंगे, बस इतना करना, और कुछ नहीं है इसमें, बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखो एक और ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, 49 का स्क्वायर ले लेते हैं। 49 का स्क्वायर देखो ये कितना कम है, 49 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब लेकिन हमें किस में लिखना है, टू डिजिट्स में लिखना है, तो हमारा क्या हो गया, 01 हो गया। और हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, जितना कम है उसे 25 में से माइनस कर लेंगे, 25 में से माइनस करेंगे 1 को, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2401, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं यहां पर, अब ले लेते हैं देखो थोड़ा सा थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, हमने लिया 38 का स्क्वायर। देखो भाई 38 का स्क्वायर क्या होता है, 38 कितना कम है 50 से, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 144 हो गया। क्लियर है, लेकिन मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कि हमेशा किस में लिखा जाएगा, दो डिजिट्स में लिखा जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम, तो क्या हो जाएगा, जो इसकी थर्ड डिजिट है ये कहाँ चली जाएगी, कैरी में चली जाएगी। क्लियर है, हमेशा दो में लिखेंगे चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा कितना आ जाएगा, 44, और ये 1 कहाँ चला गया, कैरी में चला गया। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, 25 में से इस 12 को हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, देखो ये तो 44 ही है और ये 3 और 1 ऐड हुआ तो कितना आ गया, 4, तो 1 हमारा कितना आ गया, 1444 क्या आ गया हमारा, इसका 38 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें कुछ नहीं है, बस दो स्टेप और आपका स्क्वायर निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप जितना 50 से कम है उतने का स्क्वायर कर देना, सेकंड क्या कर देना है हमें 25 में से जितना कम है उसे माइनस कर देना, बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा इधर की साइड क्या लिखा जाएगा, टू डिजिट्स में लिखा जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि 1 में लिख दो या 3 में लिख दो, नहीं तो गलत हो जाएगा, 3 डिजिट्स में आ जाएगा इधर की साइड का स्क्वायर। जैसे यहाँ 12 बन गया था, इससे और छोटा ले लेंगे तो हमारा और भी बन जाएगा। जैसे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम 33 का स्क्वायर देख लेते हैं, ठीक है। 33 कितना कम है हमारा, 17 कम है, 17 कम है तो 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, तो 89 यहाँ लिखेंगे, 2 कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, जो जितना कम है उसे कितने किस में से माइनस करना है, 25 में से माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 17 कर लेंगे। क्लियर है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, 25 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 8 बचेगा, तो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ पर। क्लियर है, अब ये 2 और 8 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, 1089 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब तो देखो मैंने अभी तक जो नंबर लिए हैं ना 50 से कम कम वाले लिए हैं, अब बात करते हैं 50 से बड़े नंबर की, ठीक है। जैसे हमें 52 का करना है, ठीक है, 52 का स्क्वायर। देखो अब की बार क्या है, ये अगर जो ये वाले नंबर देखो तो ये 50 से कम थे, तो हम ये देखते थे कितना कम है उतना ही क्या कर देते थे, माइनस करते थे 25 में से। इसमें क्या है, 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। क्लियर है, इस बार क्या करना है हमें, ये देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है, हमेशा किस में लिखेंगे,
टू डिजिट्स में लिखेंगे, ये नहीं कर सकते कि इसे खाली फोर लिख दे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसकी दो डिजिट्स बना ली हमने, क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप, वही है 25, लेकिन इस बार क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा 25 में प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 2, तो हमारा क्या आ गया 27, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2704, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर की साइड से कट जाए तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ, हमारा आंसर क्या आ गया 2704, क्लियर है। अब देखो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नहीं है, सेम चीज है, जब हमारा कम हो रहा था तो हमें क्या करना था, इतना तो सेम ही है, जितना कम हो रहा है जितना ज्यादा हो रहा है उतने का तो स्क्वायर ही होना है, बस जब कम हो रहा था तो वो 25 में से माइनस हो रहा था, और जब ज्यादा हो रहा होगा मतलब आपका 50 से ज्यादा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा है उतने को क्या करेंगे हम लोग, उसे 25 में ऐड कर देंगे, बस सिंपल है। ये दो स्टेप्स में आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी आगे भी देखेंगे, बड़े बड़े नंबर भी देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं। और हाँ, साथ ही मैं आपको एक मेथड कराऊंगा, उसमें अलग अलग मेथड की जरूरत नहीं है, चाहे किसी के लास्ट में 5 आ रहा हो, चाहे 25 से लेके 75 तक हो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, जिसे हम बोलते हैं यूनिक मेथड, जो हर किसी में फॉलो होगा, आप कोई भी निकाल सकते हो उससे, ठीक है, वो हम लास्ट में वीडियो के एंड में देखेंगे। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब और हाँ, इससे पहले और साथ ही जिन स्टूडेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है, वो लोग हमारी और जो वीडियोज़ हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वो देख सकते हैं। जैसे आपका बोर्ड मास के ऊपर भी वीडियो ला रखी है, ठीक है, इस टाइप की वीडियोज़ देखें। और भी हम बेसिक की वीडियोज़ लेके आने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक थोड़ा वीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो 52 का देखा था हमने, अब हम देखते हैं 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर ये कितना ज़्यादा है 50 से, 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब मैं एरो नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, जैसे एरो बना रहा था उसकी नीड अब खत्म होगी, अब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 56 कितना ज़्यादा है 50 से, 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब क्या करेंगे, 25 में कितना ऐड करना है हमें, 6 ऐड करना है, तो 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 31, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1336, क्लियर। चलो अब 68 का स्क्वायर देखते हैं। देखो 68 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 68 50 से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, मतलब 324, तो हमारा 24 तो यहाँ पर लिख लिया, 3 कहाँ चला गया हमारा कैरी में चला गया, क्योंकि हमें क्या लिखना है हमेशा दो नंबर्स में लिखना है यहाँ पर। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप क्या था हमारा, कि जितना ज़्यादा होगा उतने को हम क्या करेंगे 25 में ऐड कर लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे 25 प्लस कितना ज़्यादा है हमारा 18 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 25 को में 18 को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, क्लियर है। 25 में 18 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 43, तो इन्हें अब आपस में सोल्व कर लेते हैं, तो क्या आ गया 24 आ गया, और ये कितना आ गया 3 और 3 कितना आ गया 6 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4624, क्लियर है। देखो ये तो बात हो गई 25 और 75 तक के स्क्वायर की, अब बात करते हैं इससे बड़े स्क्वायर की, जिसमें बेस क्या लेंगे हम 100 लेंगे, और वो इससे भी बहुत ईजी है, चलो तो देखते हैं कैसे होगा। देखो भाई हमारा 76 से लेके एक तरीके से 125 तक, या 75 से ले लो, 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसके अंदर देखें तो बेस कितना है अपना 100 है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है 100 है। अब देखो इसे कैसे करते हैं, जैसे हमें मान के चलो 98 का स्क्वायर निकालना है, क्लियर है, ये बहुत आसान होता है, इसे वैसे ही करेंगे हम, बस इसमें क्या देखना हमें बेस कितना है हमारा 100 है, 100 में से हमने 98 को माइनस करा तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4 होता है। इसमें भी सेम कंडीशन है कि कितने डिजिट्स में लिखेंगे हम, 2 डिजिट्स में लिखेंगे, तो इसे क्या बना लेंगे 04 बना लेंगे, दो में तो ऐसे ही बनेगा, क्लियर है। अब इसमें पता है उसमें तो हम क्या करते थे 25 में से माइनस करते थे, इसमें 25 में से माइनस नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे हम लोग सेम नंबर में से इसे माइनस कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 98 माइनस 2, जितना कम है ना, देखो उसमें कंडीशन क्या थी कि जितना कम होता था हम उसे 25 में से माइनस करते थे, इसमें क्या होता है जो नंबर दिया गया होता है ना उसमें से ही जितना कम होता है उसे माइनस कर लेते, तो 98 में से 2 को माइनस करा तो हमारा आंसर कितना आ गया 9604, सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमें 93 का स्क्वायर करना है,
क्लियर है। देखो अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना कम है ये 100 से, 7 कम है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। सेकंड स्टेप क्या है, जितना कम है उतने को उसी नंबर में से माइनस कर लेंगे, तो 93 माइनस 7 कर लेंगे, 93 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 86 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 8649 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब बात करते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं दो चार क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे मान के चलो हमें करना है 88 का स्क्वायर, ठीक है, 88 का स्क्वायर करके देख लेते हैं भाई ये कितना कम है हमारा 12 कम है, तो हमारा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 यहाँ चला गया, 1 किस में चला गया कैरी में चला गया। अब हमारा कितना इसमें से क्या करेंगे 88 में से, सेकेंड स्टेप क्या है 88 में से ही जितना कम है उसे माइनस कर लेंगे, 88 में से 12 को माइनस करा, 88 माइनस 12 तो हमारा क्या आ गया, देखो 8 में से 2 गया तो हमारा क्या आ गया 6 आ गया, और हमारा 8 में से 1 गया हमारा तो कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर, लेकिन एक ही कैरी में भी तो ये भी तो ऐड होगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 7744 क्या आ गया हमारा 88 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है, अब थोड़ा बड़े नंबर देख लेते हैं जो 100 से बड़े हैं, तो ये कि इसका देख लेते हैं 103 का स्क्वायर करके देखते हैं। देखो भाई अब 103 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है इसमें, क्या कंडीशन है, ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 तो ज़्यादा है ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब सेम कंडीशन, एक डिजिट्स में नहीं लिख सकते हम, हमें क्या करना पड़ेगा टू डिजिट्स बनानी पड़ेगी इसकी, तो कितनी आ गया 09 आ गया। अब क्या करना है, सेम कंडीशन, देखो इसमें क्या कर रहे थे, जब कम था जो नंबर था उसमें से माइनस कर ले रहे थे, इसमें क्या होगा जो नंबर दे रखा है जितना ज़्यादा है उतना ही उसमें ऐड कर देंगे, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 103 में कितना ज़्यादा 100 से 3 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 103 में 3 ही प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया 106। देखो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट दोनों मिलते हैं, बस इसमें अंतर इतना है कि वहाँ पर जहाँ पर बेस 50 था वहाँ पर हम 25 यूज़ करते थे, और यहाँ पर क्या करते हैं हम वही नंबर यूज़ करते हैं, कंडीशन सेम है, बस उसमें जब 50 से कम होता था तब माइनस करते थे, इसमें जब 100 से कम होता है तब माइनस करते हैं, और उसमें क्या था जब 50 से ज़्यादा होता था तब प्लस करते थे, इसमें जब 100 से ज़्यादा होता है तब प्लस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब बात करते हैं आगे, आगे देख लेते हैं दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमें करना है 114 का ले लो, 114 का स्क्वायर कितना होता है, वैसे सोचो तो टाइम लगेगा लेकिन वैसे इस वाले मेथड से सोच के देखते हैं। देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 196, ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 96 तो यहाँ आ जाएगा, और 1 कहाँ चला जाएगा कैरी में चला जाएगा। अब क्या करना है, देखो अब जितना ज़्यादा है उतना उसी नंबर में ऐड कर देना, मतलब 114 में 14 को ही हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 44 तो 8 हो गया और ये 21 तो 128 आ गया। अब क्या करना है, देखो ये कैरी का इसे थोड़ी छोड़ देंगे हम, इसे भी जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 12996, ठीक है, इसे यहाँ पर है ना तो इसी के साथ जोड़ना, इधर उधर मत जोड़ देना। क्लियर है, तो यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो हम कोई भी नंबर का ऐसे निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। अब बात करते हैं जब इससे बड़े नंबर आएंगे तब कैसे करेंगे, उसके लिए अब मैं आपको ऐसा मेथड पढ़ाने वाला हूँ कि जो आपका कोई भी हो, चाहे आपका 25 से लेके 75 तक हो, चाहे आपका 75 से लेके 125 तक का हो, चाहे 1000 से लेके 2000 तक का हो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो वो आपका उससे हो जाना है। क्लियर है, तो अब देखते हैं, देखो बहुत ही बढ़िया मेथड है, यूनिक मेथड, जिसे हम नाम देंगे यूनिक मेथड, देखो ठीक है। और देखो अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है अच्छी लग रही हो, उसी कंडीशन में एक तो आपको लाइक करना है, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर। देखो अब यूनिक मेथड देखते हैं, यूनिक मेथड में क्या है, देखो सिंपल है, जैसे हमारी कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है टू डिजिट्स में दे रखा है, ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है तो हम कैसे करेंगे इसे, हमने क्या पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पर क्या करना है हमें प्लस नहीं लगाना, इन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, सिंपल है। अब देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि करने वाले क्या है, हम जैसे 112 का स्क्वायर करना है, इसे करने का एक मेथड हम सीख चुके हैं, अब इसे इस वाले मेथड से करते हैं। देखो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, इसे हमने क्या करा ए और बी में ब्रेक कर लिया, ये वाला पोर्शन ए मान लिया, ये वाला पोर्शन बी मान लिया। क्लियर है, अब देखो इसे हमने क्या करा, सिंपल क्या करा, इन्हें स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है इधर से शुरू कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है, और हमारा
देखो अब ये 2ab, 2ab मतलब इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई उसका डबल, या तो 2ab अलग से करके देख लेना 2 × 11 × 2, लेकिन उस वो ना करके हमें क्या करना है सिंपल 11 × 2 इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, कितना हो गया 22, और उसका क्या कर लेना डबल कर लेना, तो कितना आ गया 44। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी ए स्क्वायर की, ए क्या है हमारा 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। क्लियर है। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन है, देखो जो इधर वाला नंबर है आपने वन डिजिट में तोड़ा है, क्लियर है, ध्यान रखने वाली बात है, इसमें हमने ये वाला नंबर वन डिजिट में तोड़ा है, जब वन डिजिट में तोड़ा है तो हम क्या करेंगे इधर की साइड क्या रखेंगे वन डिजिट रखेंगे, और यहाँ भी क्या लेंगे सिर्फ वन डिजिट रखेंगे, इसमें यही कंडीशन है बस, यूनिक मेथड में सिर्फ इतनी कंडीशन है, जब आप इधर वाला नंबर जितने नंबर्स में ब्रेक कर रहे हो उधर की साइड उतने ही नंबर रहेंगे इन दोनों में। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पे ठीक है एक नंबर है तो एक ही नंबर है, यहाँ पे क्या है दो नंबर है, तो ये दो दूसरा नंबर यहाँ नहीं लिखा जा सकता, ये कहाँ चला जाएगा इसमें कैरी में चला जाएगा, तो हमारा कितना आ गया देखो 4 तो ये आ गया, और 4 और 1 कितना हो गया 5 आ गया, और ये 1 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, सही है। आगे हम स्क्वायर निकालना सिंपल है, देखो इसे हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम इसे ए में तोड़े इसे बी में तोड़े, हम इसे ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, 112 को तोड़ना है हमें, तो हमने क्या करा इसे ऐसे तोड़ के देखते हैं, देखो ऐसे भी हो जाएगा ये, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही तोड़े, तो हमने क्या करा ये तो ए हो गया पोर्शन, ये वाला हमारा बी हो गया, अब क्या है ये वाला हमने कितनी डिजिट्स में तोड़ा है दो में तोड़ा है, तो इधर वाला और इधर वाला पोर्शन दो दो डिजिट्स में बनाना ही पड़ेगा हमें, आए या ना आए, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। क्लियर है। 1 कैरी में चला गया, 44 लिखेंगे बस यहाँ पे, 2 में 3 में मत लिख देना, ठीक है 44। अब क्या करना है 2ab का मैंने क्या तरीका बताया था, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, तो 12 × 1 = 12 का डबल कितना हो गया 24, तो ये कितना आ गया 24, और 1 का स्क्वायर कितना होता 1 ही होता, तो इसे ऐड कर लो 1 2, ये कितना आ गया 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये 44, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 12544। क्लियर है। इसे हम ऐसे कर लेंगे, चाहो तो अपने आप इस उस वाले मेथड से भी करके देख सकते हो, समझ में आ गया, नहीं आया तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जो डाउट्स हैं आपके इस वाले एग्जांपल में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। देखो भाई अब हम लेते हैं 132 ले लेते हैं, थोड़ा सा ना बड़ा नंबर, वो इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा 132 का स्क्वायर। अब देखो ये ए और बी तोड़ने का क्यों क्या फ़ायदा होता है, ये हमें देखना होता है कि किस में तोड़ने में हमें फ़ायदा है। देखो यहाँ पे अगर जो आप ऐसे तोड़ते हो तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, तो इसमें आपको बी मतलब 32 का स्क्वायर पता होना चाहिए। क्लियर है, ये कंडीशन बन के आती है, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें जरूरी थोड़ी है हमें इसमें इतना लंबा नहीं पता, तो वैसे तो पता होना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो हम क्या करेंगे इसे ऐसे तोड़ो ना, कि क्योंकि हमें 13 का भी स्क्वायर पता है 2 का भी स्क्वायर पता है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो इसे ए बना लिया इसे बी बना लिया। क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा देखो बी मतलब इसका पार्टीशन पहले बना दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो एक चीज़ हो रहा है, इसे बी वाले पार्ट को आपने कितनी डिजिट में तोड़ा है एक में तोड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 डिजिट ही रखेंगे बस। क्लियर है। तो हमारा ये क्या आ गया 22 का स्क्वायर कितना हो गया 2 × 4। अब हमारा क्या आता है 13 × 2, 13 × 2 कितना हो गया 26, और 26 का हम क्या कर लेंगे डबल कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 52 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? भाई यही तो बताया था 2ab निकालना है ना, तो 2ab निकालने का क्या तरीका है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 13 × 2 = 26, और 26 का भी क्या कर दो डबल कर दो। क्लियर है, 52 आ गया। अब 13 का स्क्वायर हमें लर्न नहीं है, 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 169। क्लियर है। अब लेकिन एक कंडीशन थी, मैंने क्या बताया था जब वन डिजिट में है तो हम यहाँ भी 1 डिजिट रखेंगे, यहाँ भी 1 डिजिट रखेंगे, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा इधर कैरी में चला जाएगा, तो हमारा कितना आ गया देखो 4 तो ये आ गया ये वाला, और 2 हमारा ये आ गया, और ये 5 और 9 ऐड हो गया कितना हो गया हमारे पास 14 हो गया, और 1 क्या चला गया कैरी में चला गया, 6 और 1 कितना हो गया 7 और 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17424। कोई डाउट? ठीक है। यूनिक मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इससे बड़े से बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं और भी हम स्क्वायर निकाल के देखते हैं। अब देखो 403 का निकालना है आपको। ठीक है, 403 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं हमारा क्या आएगा। 403 इसका स्क्वायर क्या आएगा हमारा, देखो अब
हम कोई भी नंबर का निकालेंगे, ठीक है, इसे बस ब्रेक कर लेते हैं। इसे आप दोनों तरीके से ब्रेक कर सकते हो, या तो आप इसे, क्योंकि इसमें हमें 4 का भी पता है 3 का भी पता है, ए और बी में कर लेते हैं। क्लियर, देखो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो गया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखो दो डिजिट्स में है, मैंने आपको क्या बोला था जब क्वेश्चन करा रहा था, आई एन आई हमें दो में बनाना पड़ेगा। दो में बनाने के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ क्या करेंगे, इसमें 0 लगा देंगे। क्लियर, दो में बन गया। अब 2ab का क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 4 3 12 12 2 कितना हो गया हमारा 24। क्लियर है, और 4 का स्क्वायर कर देना, a का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सिंपल 162409, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चाहे तो हम इसे कैसे देख सकते हैं, देखो उस वाले मेथड से भी देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या आ गया, इसे हमने a में तोड़ लिया, इसे b में तोड़ लिया। अब दिक्कत बस ये आएगी कि आपका थोड़ा ये स्क्वायर बड़ा होने वाला है। देखो करते हैं इसे, हमने क्या करा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये 40 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120, ठीक है। 120 का डबल कितना हो गया 240, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, ये 240 आ गया। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है हमारी, कि हम डिजिट कौन सी लेंगे, सिर्फ एक डिजिट लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बनाया, वन डिजिट में बनाया, ठीक है। अब 40 का स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर भी तो होना है, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो हमारा कितना आ गया 1600। अब देखो कर लेते हैं, ये तो 9 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 24 पूरा का पूरा उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ कैरी में जाएगा, ठीक है। इसे जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 और ये 16। तो हमारा कितना आ गया एक तरीके से 162409, यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखो सेम है कि नहीं है, लेकिन ये ऐसे तोड़ के हमारा थोड़ा डायरेक्ट आ जा रहा है। क्लियर है, बस हमें यही देखना है। क्लियर, अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप कोई खुद से प्रैक्टिस करना, और कोई भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, है ना। देखता हूँ किस किस का आता है इसमें आंसर ना। देखो तो हमने स्क्वायर सीख लिए हैं, अब आप कोई भी स्क्वायर, कैसा भी स्क्वायर हो, उसे बड़ी ईजिली निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछें। साथ ही आपके लिए मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। क्लियर है, इन दोनों के हमें क्या करने हैं, आंसर खुद से निकालने हैं, और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। साथ ही आप लोगों को ये बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाई जाए। और हाँ, साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। थैंक यू।